ऐसे लगे कि हिंदुस्तान की बस्ती 135 करोड़ है। तो हमने सोचा, हमारी टीम ने सोमनाथ महोत्सव समिति ने विचार किया कि 135 करोड़ ओम नमः शिवाय मंत्र का लेखन करके प्रभु सोमनाथ के चरणों में अर्पण करें। 2 साल पूर्व सोमनाथ के बगल में चोरवाड़ में रुद्राक्षोत्सव और चोरवाड़ उत्सव नाम से महाशिवरात्रि महोत्सव संपन्न हुआ था। वहां 25 लाख लोगों ने प्रसाद दिया था, भोजन किया था। 33.25 फुट के महादेव जी बने थे। समुद्र के किनारे पर धीरूभाई अंबानी जी का एक आंग, तो सोरठ की धरती और भगवान शंकर का मंत्र। आप अपने घर पे बैठे बैठे, आपका जितना परिवार है उतनी बुक लिखे, 1 की 5 5 लिखे, 1 की 11 लिखे, 101 लिखे, जितनी आप लिख सकते हो आप लिखे। रहस्यम शिव मंत्रस्यम शिवो जानाति न परम। ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य भगवान शंकर के सिवाय कोई नहीं जानता। एक बार लिखते हैं तो 3 बार बोल लेते हैं। 5040 मंत्र इस पुस्तिका में, तो इस पुस्तिका आप अपने घर ले जाइए और अत्यंत भावपूर्वक उसमें ओम नमः शिवाय का लेखन करके एंड ऑफ द 19 आपको पुस्तिका यहाँ मंदिर धन्ना बेन को पहुंचानी है। इस उनके प्रयास है हमारे भ्राता योगेश भाई पाठक, इसकी योजना के जो सूत्र कहते हैं, केंद्रस्थ कहते हैं, मगर वो कहीं भी अपना नाम आगे नहीं करते, क्योंकि नाम आता है तो अहंकार आता है। हूँ करूँ एज अज्ञानता, हूँ कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए। मगर श्रीमती चेतना देवी और योगेश भाई का ये प्रकल्प विकल्प, श्री अभय मोरी फ्रॉम कोडिदा, दिनेश भाई कुंडलिया साधु बीएमसी एक्ट कमिश्नर, और ये नाचीज हमको तो कुछ आता था, जंगल वाले गया और तो पक्षता भगवान के बारे में सोचते रहते, सुनते रहते और गाते रहते। बस इसमें काफी लोग जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े समर्थ लोगों का, क्योंकि अकेले आदमी से ये होता नहीं सर। जब आपका मनोरथ भव्य होता है तो भव्य लोग जुड़ जाते हैं, कहीं धनी कहीं दानी कहीं कर्मठ, ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। 268,000 बुक छपेगी तब ये 135 करोड़ मंत्र संपन्न हो गए 268,000 पुस्तिका से। मगर जिस हिसाब से मंत्र लिखे जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि 270 करोड़ लिखेंगे लोग। 10 करोड़ ऑलरेडी लिख चुके हैं। जूनागढ़ की जेल में भी कैदी लोग लिख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर लिख रहे हैं, बड़े बड़े टाइपुट लिख रहे हैं, खेडूत लिख रहे हैं, स्त्री महिला अबाल वृद्ध, पूरा सौराष्ट्र एमपी इंदौर हिमाचल प्रदेश दिल्ली राजस्थान जोधपुर उदयपुर सैन फ्रांसिस्को। मैं यहां सोमनाथ टेम्पल है नॉर्थ कैरोलिना, सोमनाथ धाम है, इसलिए मैं वहां जाके भी आया हूं, सोमनाथ महादेव। तो मैं आप सबको पुनः पुनः मंत्र लेखन के लिए सादर निमंत्रित करता हूं। हमारी बहन, बड़ी बहन रत्ना बहन से आप जितनी बुक चाहिए आप ले लेना, और तो बाकी मैं कुछ कहता नहीं हूं। कथा पूरी होती है, ऐसी प्रार्थना करता हूं कि फिर मिले तो कोई कथा के मोड़ पे, ऐसे मिले उसका क्या, गाते रहे गुनगुनाते रहे। तो और कुछ नहीं कहना है, मगर कथा आपकी सफल हो इसके लिए, कथा की सार्थकता के लिए, आपने कथा सुनी वो कथा आपकी सफल हो
इसके लिए आपको दक्षिणा देके जाना चाहिए ताकि आपकी कथा आपको फलित हो। तो जितना भी पैसा है वो हुडी में मंदिर में डाल के जाना संभव है तो, वरना 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया और एक मुख ओम नमः शिवाय की आप लिखना, ये मेरी दक्षिणा है। बाकी तो आपको भगवान ने सब कुछ दिया है, आप मंदिर में देते रहते हैं, मंदिर को बनाओ, व्यक्ति को मत बनाओ, मंदिर को बनाओ। ये मंदिर हमारी धरोहर, मंदिर होगा तो गैदरिंग होगा, मंदिर होगा तो भाषा रहेगी, मंदिर रहेगा तो कल्चर बनेगा, मंदिर होगा तो धर्म रहेगा। लंका निश्चर निकर निवास, यहां बाहर कहीं भी जाओ धर्म नहीं है, तो हमारे बच्चे बाहर सीख के आएंगे, ये सही नहीं है। सीखने का यही एक रास्ता बचा है। तो आप सब लोग बड़े सज्जन है, सदग्रहस्थ है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी वर्णवादी सलाह देने का यदि भाव में करता हूं तो कुछ ना कुछ आप मंदिर के लिए कीजिए। आपके मन में जो भी भाव है ताकि भगवान सब रूप भलू करे। और रही बात मुझे दक्षिणा की, तो मंदिर से कभी दक्षिणा ली नहीं है, और प्रभु को ऐसा कहना कि ऐसा सक्षम बनाना कि मंदिर में देके जाए। पर अखंड रोजी हरिना आत्मा देवा रे वाड़ो नथी टुकड़ो भगवान नथी रे भिखारी। मतलब कई मंदिर कमेटी ट्रस्टीगण बॉस डायरेक्टर मैं काफी लोग को जानता हूं, वर्षों से आ रहा हूं, जगह नहीं मिली थी तब से मैं आ रहा हूं। तो आई एम वन ऑफ यू, मैं आपके बीच का एक जैसे भगत होता है ना, वैसे मैं मंदिर का भगत भी हूं। क्योंकि मैंने सुधर में आज जमीन लेवानी बाकी है तो इंतजार हुआ है तो। अच्छा। यहाँ की प्रतिष्ठा की तो भी हाजिर था, तो ये मेरा बाबा लगता है मुझे, भोले बाबा की प्रतिष्ठा मेरे हाथों से, जैसे पंडितों के हाथों से, मगर मेरा भी हाथ लगा था वहां। तो ये मानता हूं कि बाबा मेरा है। तो मेरा भाव होता है कि जब भी प्रभु ठाकुर जी यहाँ लाते हैं तो यहाँ आने का, दर्शन का, सेवा का मैं अवसर पाने का प्रयास करता हूं। इनके शब्दों में बाणी रूपी पुष्प अर्पण करने का प्रयास करता हूं। तो हमारी बहन रन्ना बहन और रजनी भाई को मैं मामा बोलता हूँ, बुजुर्ग भाई, ये हमारा बाणी अटकना से जानी से मारो मोसाल जानी मासे, मेरा मोसाल है ना वो जानी में है। तो बड़े प्रेम से मैं जानी भी बोल लेता हूँ, मामा भंजे का संबंध थोड़ा मजाक मुश्कर कर लेता हूँ, मगर सरल स्वभाव के महात्मा, कभी उसको गलत नहीं लगता है। नहीं तो एक पंडित को संभालना ना, चाय लाओ, पानी लाओ, केसर लाओ, ये लाओ। एक सफेद आदि देखा आपने, काला आदि देखा होगा, सफेद हाथी पालना और एक पंडित पालना बराबर है, मगर बड़े प्रेम से दोनों सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। तो परिवार का, मेरा खुद का परिवार है, शुक्रिया नहीं कहना चाहिए, मगर आप निमित्त बने और हमने हनुमान जी महाराज को कह लिया, तो आपका बहुत बहुत मैं ऋणी हूँ, आभारी हूँ। यहाँ के अभी जो इवेंट के इंचार्ज थे किरेट भाई, दोनों पंडित जी, लक्ष्मी दीदी, माँ प्रतीक्षा बहन, बहन बाप अग्रवाल जी, सबको मैं जानता हूँ। तो हमारा गुजराती परिवार, आपने वो लोग हमारा मोटा बेंच सुधार ले, और मूलचंद भाई, और हमारा भांजा है कालू, वो 2 साल पहले 3 साल हुआ था, 1.5 वर्ष पहला SFK मोतिया से, तो बड़ा हमारा खुद का परिवार है। तो इस तो परिवार हमारे मिलते हैं, तो भाई हमारी बेटा भांजी है, तो ये फैमिली कथा है, ये कथा का स्वरूप नहीं, कथा कैसी है, फैमिली कथा में मजा बहुत आता है। यह आपको छूट होती है, थोड़ा इधर जाओ, थोड़ा
ये पांडाल वाली कथा में आपको 21-22 नहीं हो सकते, आपको कथानक चीज वस्तु को पकड़ के आपको एक विषय का आनंद आ गया मगर आप नहीं रुक सकते, आपको प्रवाहित होना पड़ता है। मगर यहाँ बहुत ही सभी श्रोताओं का आभार, आनंद आया। हमारे डॉक्टर नाना अरविंद भाई और हमारी बहन, मैं भूल जाऊं तो चल जाता है इसलिए नाम नहीं बोलता, भूल जो मंदिर के लिए अपने वो 40 वर्ष वाली बुढ़िया मांग रही, पूर्णिमा को इतने बड़े लोगों को भूल जाते, ये नाम नहीं लेना चाहिए। नियर टू 70 शबरी को, शबरी के यहाँ राम आए तो राम ने शबरी को कहा कि आप युवा हैं। कहे रघुपति सुनु भामिनी माता, भामिनी अर्थात युवती यौना, भामिनी गजगामिनी मृगलोचनी आदि शब्द युवान स्त्री के संबोधन है। एक और माता भी कहा और एक और भामिनी कहा, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति युवान थी। तो पूर्णिमा बहन की नौ शबरी, मगर आप शबरी अम्मा भी कह सकते हैं। जो कहते हैं साहब उनके योग की, उनके क्षण की, जो कथा का आश्रय करते हैं उनकी व्यवस्था, उनकी चिंता ठाकुर जी प्रभु राम करते हैं, महादेव करते हैं, माँ जगत जननी जगदम्बा करते हैं। तो अद्भुत योग, गणेश चतुर्थी गई, गणेश उत्सव चल रहा है और माँ आने वाली है, और उसके बीच में तीन देवता अप्रतिष्ठित करने पर भी प्रतिष्ठित है, गणेश चंडी और हनुमान। उसको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है और उसको विदा भी नहीं किया जाता है। गणेश चंडी अप्रतिष्ठा अन्य आवाज देवता स्वस्थान गच्छत शुभ कार्य पुनरागमना यह चाहो, उसको भेजा भी नहीं जाता। तो ऐसे एक कौन योग बन गया मालूम नहीं, गणपति का पूजन महोत्सव मां तुम तुम कति आवश्यक माँ तू आवे ए नवरात रमवा केवा केवा वेशे मां केवा केवा भाव जी तमे घरे एक अखंड दिवो करो तो तुम्हारी हाथ एक बार मां आवे क्या रूप आवे कबूल मां पड़े पर एक बार आवे। तो मानो आराधन कर जो, मानो चंडी पाठ कर जो, मीठा मीठा गरबा गाजो, अने अबे चंडी पाठ करशु तमने याद करशु, तबे हमने याद करजो आटलू कई बे मिनिट माटे छेली धून पछी क्यारे मळी खबर नहीं। तो ताली पाड़ता पाड़ता ताली जोर थी पाड़जो, महाराज ने नवो सूत्र लाव्यो छे तो ज्योतिष वाला खोट लागे थोड़ो के तो ग्रहो बधा सीधा थई जाय, राम नाम लेता लेता ताली पाड़े तो क्योंकि ग्रह अनुकूल हो जाएंगे, उसकी अर्निंग बढ़ेगी और भगवान की कृपा से अर्निंग होती तो दशांश डाल देते, ये तो मुनाफे का है, खोट का धंधा नहीं है, ये तो फायदे का सौदा है। तो तारी घड़ियो अमूलक जाय मुख तेर टेले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Hare Bole, Namah Shivaya, Namah Shivaya।
तीन बार ओम हरे नमः, ओम हरे नमः मैं बोलूंगा। उसके बाद आप कथा में कोई भी प्रकार का दोष हुआ है तो वो मिट जाए। हाथ खड़े करके ओम हरे नमः, you know, we can